तो हाँ, अब हम भी चालू करने वाले हैं वीक में एक वीडियो जो होगा न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में, जहां आपको पता चलेगा कि इस वीक में क्या क्या हुआ बस एक ही वीडियो में। इस वीक में भी मार्वल एंड डीसी के साथ साथ हर तरफ से न्यूज एंड अपडेट्स आए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, का साथ तुम्हें, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। फर्स्ट अपडेट है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से। सब लोग बोल रहे थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 अगले साल 2024 में आ जाएगा, बट रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं कि सीजन 5 की फिल्मिंग इस साल जून में स्टार्ट होने वाली है और एक साल तो इस सीजन के लिए लगेगा ही, और उसके पोस्ट प्रोडक्शन भी बहुत टाइम लगता है। सो आई थिंक वो अगले साल नहीं बल्कि 2025 के स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। फिर डीसी की तरफ से एक अपडेट आई है कि जो टैक्स राइट ऑफ के चक्कर में एक मूवी कैंसिल हुई थी बैट गर्ल, तो उसके साथ एक और एनिमेटेड मूवी थी स्कूबीडू एंड क्रिप्टो 2, जहां ये मूवी एक क्रॉसओवर मूवी होने वाली स्कूबीडू एंड सुपरमैन के डॉग क्रिप्टो के साथ। इसके बाद एक और न्यूज़ आई है विचर सीजन 3 से लेकर। तो विचर सीजन 3 के जो वीएफएक्स प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने कहा है कि ये सीजन सबसे डिफरेंट होने वाला है। मतलब जो विचर का सीजन 1 एंड 2 है, वो गेम्स एंड नॉवेल से सिमिलर ही है, बट अब जो सीजन 3 आने वाला है, वो कंप्लीट डिफरेंट होगा, मतलब नॉवेल एंड गेम्स से कंप्लीट डिफरेंट होगा। तो लगता है इसी रीजन से हेनरी कैविल ने ये विचर सीरीज छोड़ी है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एचबीओ मैक्स के कंटेंट है, वो 31 मार्च से गायब होने वाले हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जो एचबीओ मैक्स के शोज थे डिज्नी प्लस पर, वो 31 मार्च से जाने वाले हैं। तो जिन्होंने भी हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स और लास्ट ऑफ अस सेव करके रखा है कि सब एक बार में देख डालूंगा, तो हाँ यही वक्त है, 31 मार्च तक सब देख डालो। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि ये सब माल कहाँ जा रहा है, तो उनकी खुद की ऐप आने वाली है इंडिया में, ऐसा रूमर आ रहे थे, तो क्या पता वो इसके लिए वहाँ जा रहे हो, और अगर वहाँ नहीं तो अमेजन प्राइम के साथ कुछ डील हो गई है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या पता वहाँ जाए सारे शोज। पर अब मार्वल से एक न्यूज़ आई है कि जो आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 है, वो मूवी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से रन टाइम में बड़ी होने वाली है। मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन, जो ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, उन्होंने ये ट्विटर पे ही बता दिया है, और इसी के साथ उन्होंने एक और अपडेट दी है न्यू डीसीयू की। तो किसी ने उनसे पूछा कि जो स्लेट उन्होंने अनाउंसमेंट वीडियो में रिलीज कर दी थी, तो वो फेज 1 की कितनी बड़ी है, यानी कितना पार्ट है वो, तो उन्होंने बताया कि वो लेस देन हाफ है, यानी तुम समझ रहे हो, मतलब जो 10 प्रोजेक्ट्स थे वो लेस देन हाफ, मतलब 1/4 पार्ट था फेज 1 का, मतलब क्या क्या हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। खैर इस न्यूज से तो नए डीसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है नए डीसीयू के फेज 1 में कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है मार्वल से कि जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विलन था अल्ट्रॉन, वो वापस आ रहा है आर्मर वॉर्स में। सो बेसिकली आर्मर वॉर्स एक सीरीज होने वाली थी जिसमें अपना वॉर मशीन है, बट बीच में खबरें आई थी कि उन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया है, तो वो चेंज लगता है यही है अल्ट्रॉन, बट भाई वो एक एवेंजर लेवल खतरा है, बट अब वो इससे कैसे हैंडल करेंगे सीक्रेट वॉर्स में पता नहीं, बट एक्साइटेड तो बहुत ही हो, बट इस एक्साइटमेंट को साइड में रख के आगे चलते हैं। तो आगे अपडेट आई है डेयर डेविल से लेकर। तो जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डेयर डेविल पे सीरीज होने वाली थी डेयर डेविल बॉर्न अगेन, तो उसमें हमें पनिशर भी देखने मिलने वाला है। जी हाँ, तो ये ऑफिशियली कंफर्म किया है जॉन बर्थाल ने, उन्होंने उनके सोशल मीडिया हैंडल पे इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाल के कंफर्म कर दिया है कि वो इस सीरीज में आने वाले हैं। और जिन्होंने डेयर डेविल देखा है, द पनिशर देखा है, तो उनको पता ही है कि वो कितना ब्रूटल एंड बैडएस कैरेक्टर है, साथ ही साथ ब्रोकन भी। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये डिज्नी प्लस की सीरीज है, तो इसमें बार लो करके ही दिखाया जाएगा, पर फिर भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें पनिशर देखने मिलने वाला है। और दूसरी तरफ इसी सीरीज के फॉगी नेल्सन एंड कैरन, जो डेयरडेविल के साइडकिक्स होते हैं उसके फर्म में, तो वो इस सीरीज में नहीं आने वाले। फिर कैरन का तो समझ में आता है क्योंकि डेयरडेविल की अब गर्लफ्रेंड है शी हल्क, बट फॉगी भाई, फॉगी वो अकेला कैरेक्टर है जो इस आर रेटेड शो में थोड़ी कॉमेडी लाता है, बट वरना सारा शो तो ब्रूटल ही है। खैर डिसीजन तो हो चुका है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक और अपडेट आई है कि इस सीरीज की शूटिंग चालू हो चुकी है। इसके बाद एक फाइनल अपडेट है कि स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, जो एक एनिमेटेड शो होने वाला है, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 2024 में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। तो ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज स्लैश अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, और इस रॉकी द वॉचर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीक ऐसे ही अमेजिंग न्यूज स्लैश अपडेट्स के साथ, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर।